जय हिंद बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। फटाफट आप सारे बच्चे लाइव आ जाएं जल्दी जल्दी। आज हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हुआ गवर्नर्स। टॉपिक का नाम मैं नोट कर दे रहा हूं पहले, फिर हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे जो है गवर्नर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वह किस तरीके से या कौन से एक्ट के द्वारा जो है उसको पूरे इंडिया का भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में बनाया गया, वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में बनाया गया। तो देखिए ये हमेशा अक्सर जो है हम लोग इसको याद करने के चक्कर में परेशान रहते हैं और याद भी आसानी से नहीं होता। तो सबसे पहले आपको कुछ जो है ड्यूरेशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब से कब तक गवर्नर ऑफ बंगाल था, कब से कब समय तक जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और कब से कब तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया था। तो ठीक है, तो इस प्रकार आज के टॉपिक में ही हम लोग बात करेंगे गवर्नर्स एंड वायसराय इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, तो हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश भारत में गवर्नर और वायसराय के बारे में। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है, ये कम से कम 2 से 3 लेक्चर चलेगा, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। किस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप समझ लीजिए। जैसे कि अगर किसी गवर्नर या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या इंडिया या वायसराय के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट काम किया गया हो तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या कोई बैटल हुआ हो तो आपसे पूछ देगा, जैसे कि आपसे पूछ देगा कि बैटल ऑफ बक्सर जो है कौन से गवर्नर के समय हुआ, या आपसे पूछ देगा कि जो है बेदरा का युद्ध हुआ जिसको हम लोगों ने पढ़ा था डचों और अंग्रेजों के बीच, जिसमें डच का फाइनली हार होता है, वो जो है कौन से गवर्नर के समय हुआ। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट घटनाएं इन गवर्नर्स के बारे में पूछी जाती है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप आएंगे तो इनके बारे में हम लोग जो है इनको अलग अलग कैटेगराइज में हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं जिससे आपके लिए आसान रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर। ये ड्यूरेशन अगर आपने समझ लिया कब से कब तक बंगाल का गवर्नर था, कब से कब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, कब से कब तक वायसराय था, तो आपको ये याद करना आपके लिए आसान होगा। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, दूसरा हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल
ऑफ बंगाल, देख रहे हैं आप, पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बाद में क्या बन गया वो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो यही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया बच्चा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान से आप सुने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। अभी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इस पद का नाम बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। तो बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इस प्रकार ये जो है चार भागों में इसको कैटेगराइज करके हम लोग देखते हैं, गवर्नर एंड वायसराय इन ब्रिटिश इंडिया, भारत में, ब्रिटिश भारत में गवर्नर और वायसराय के बारे में। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल के बाद अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देख रहे हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पहले में है गवर्नर ऑफ बंगाल, दूसरा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तीसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और चौथा उसी पद को वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का वायसराय के रूप में क्या कर दिया गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में, तो जो ये गवर्नर्स ऑफ बंगाल हुए ये कब से कब तक थे, गवर्नर्स ऑफ बंगाल का पद कब से कब तक बना था, तो ये जो है था 1757 से लेकर 1757 से लेकर 1773 तक, 1757 से 1773 तक, 1757 से 1773 तक जो है गवर्नर ऑफ बंगाल था, क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, ओके। उसके अलावा अगर आप आएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, तो इसका टाइम पीरियड था 1774 से लेकर 1774 से लेके 1832 तक, 1774 से 1774 से 1832 तक अगर आप आएंगे तो आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिलेगा। और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा बच्चों 1833 से लेकर 1857 तक, 1857 तक। तो अब देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कब से कब तक था, 1833 से 1857 तक, और 1858 से लेकर 1858 से लेकर 1947 तक आपको मिलेगा वायसराय ऑफ इंडिया। ध्यान से बच्चों आप देखिएगा, इसी से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। मुनेंद्र राजपूत सर क्लास ऑफलाइन भी चल रही है, नहीं बच्चा ये क्लास जो है लाइव चल रहा है, ये ऑफलाइन नहीं है, ये क्लास जो है ये लाइव चल रहा है पूरी तरीके से आप लोगों के लिए, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ओके। चलो बच्चों तो यहां तक
तो चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में, गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में आइए बात करते हैं। तो गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, इसके लिए समय क्या था, टाइम ड्यूरेशन? तो टाइम ड्यूरेशन या जो समय था वो था कब से कब तक, तो वो था 1757 से लेकर 1757 से लेकर ये था 1773 तक, 1773 तक ये बंगाल के गवर्नर्स के बारे में था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था और बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर और बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर या फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, साथ में याद भी करते चलिए, उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम था? लॉर्ड क्लाइव नाम था। लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर बना, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, जिसका टाइम पीरियड था 1757 से लेकर 1760, 1757 से लेकर 1760, और फिर से एक बार ये गवर्नर के रूप में बना बंगाल का 1765 से लेकर 1767, 1755 से लेकर 1767। तो इस प्रकार बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव हुआ, जो दो बार के पीरियड के लिए बना, एक 1757 से 60 के लिए और दूसरी बार 2 सालों के लिए 1765 से 1767। ये तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे या बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर का नाम था बच्चों वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स का अगर टाइम पीरियड अगर आप आएंगे तो 1772 से लेकर 1772 से लेकर 1785 तक था, 1772 से लेकर 1785 का जो पीरियड था वह जो है किसका था? वॉरेन हेस्टिंग्स का था, 1772 से 1785। और हमने क्या बताया? हमने बताया कि जो ये बंगाल के गवर्नर का पीरियड है कहाँ तक है, ये 1757 से 1773 तक है, और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कब से कब है? 1772 से 1785। तो 1772 से 1772 से 1785 तक जो है वॉरेन हेस्टिंग्स का समय था, जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। इसी के बीच में अगर आप आएंगे 1772 से 1785 के बीच, तो एक टाइम पीरियड आएगा 1773, 1773। 1773 में एक एक्ट आया जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट आया, पूछा भी गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा।
रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 में आया, 1973 में एक अधिनियम या एक एक्ट पास किया गया जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत बच्चों आप देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर पद था, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पद था, उस पद का नाम बदल कर, उसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो उसका नाम बदल कर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान से सुनना बच्चों, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से एक्ट के अंतर्गत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो उस एक्ट का नाम था बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 के अंतर्गत गवर्नर ऑफ बंगाल को बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। अब इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था 1772 से 1785, तो 1772 से 1785 के बीच में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और अभी भी टाइम पीरियड किसका था, वॉरेन हेस्टिंग्स का था। तो अब यही से 1773 के बाद से वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बन जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो इस प्रकार गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में, गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में, गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स का जो समय होगा वो कब से कब होगा, तो वह जो होगा 1772 से लेकर 1774 तक, 1772 से लेकर 1774 तक वॉरेन हेस्टिंग्स जो है एज गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में काम करेगा, जबकि 1774 से लेकर 1785 तक यह जो है किस रूप में काम करेगा, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में कार्य करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में कार्य करेगा। ध्यान से समझना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कहने का मतलब कि आप वॉरेन हेस्टिंग्स को कह सकते हैं कि यह जो है लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार अगर अब आएंगे बच्चों तो हम लोग बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। चलिए गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी तक हम लोग बंगाल के गवर्नर्स के बारे में देख रहे थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब गवर्नर ऑफ बंगाल का पद बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर जनरल का पद जो है कब से कब तक था, तो ये था 1774 से लेकर 1832 तक, 1832 तक, 1832 तक। ठीक है, अब देखिए 1832 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा। अब 1832 में जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा तक रहेगा, तो उसके बाद फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो पहले अभी जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल,
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना, जिसका समय था गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 1785, 1774 से 1785 के टाइम ड्यूरेशन तक यह एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में कार्य करता है। ये टाइम पीरियड अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको ये चीजें जो है याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग बात करेंगे। उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में अगर आप आएंगे तो इनका जो टाइम पीरियड था 1828 से लेकर 1835, 1828 से 1835 तक का समय, 1828 से 1835 तक का समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। और इसी बीच जो है 1833 में एक लाया जाता है चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम, तो चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833 में इसी के समय लाया जाता है। और इस चार्टर एक्ट या अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पद नाम बदलकर ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को या बंगाल के गवर्नर जनरल को, बच्चों इंडिया का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, तो उस एक्ट का नाम था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जहां लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, वहीं आप देखेंगे कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बन जाएगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो समय होगा वो 1828 से 1832 तक,
और 1832 से 1835 तक यह जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट हेडिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइम ड्यूरेशन था या समय था वो कहां से कहां तक रहेगा, कि 1833 से लेके 1857, 1857। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, या भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका समय था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 1833 से लेकर 1835 तक। ठीक है, तो इस प्रकार जहां लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 1832 तक एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में कार्य किया, तो वहीं 1833 से 1835 तक इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम किया। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप आएंगे तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल। तो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग, क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसका समय था 1856 से लेकर 1856 से लेके 1856 से लेके 1862 तक, 1856 से 1862 तक इसका टाइम पीरियड था, 1856 से 1862 तक था। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे वायसराय के बारे में, कैसे वायसराय बना। देखिए इसी के बीच में अगर आप आएंगे तो 1857 में 1857 में भारत में रिवोल्ट होता है। क्या होता है, रिवोल्ट, एक 1857 का आंदोलन होता है, और इस आंदोलन में अंग्रेजों को ये सीख मिल गई कि अब जो है भारत में इतना आसानी से सर्वाइव करना या शासन करना संभव नहीं है। तो शासन करना या सर्वाइव करना संभव नहीं है, तो 1857 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1858 का एक एक्ट लाया जाता है, 1858 का एक्ट, और उस एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको बना दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, इसी एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार जो है
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश क्वीन ने अपने हाथ में क्या कर लिया, ले लिया। तो इस प्रकार यहीं से आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार किसके पास चले गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब सीधे ब्रिटेन से इंडिया संचालित होती, और उसके अलावा यहीं से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन गया, वायसराय ऑफ इंडिया बन गया। तो इसी के बीच अगर आप आएंगे, इसी टाइम विद ड्यूरेशन के बीच एक आएगा 1858 का एक्ट, 1858 का एक एक्ट आता है, और इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के एक्ट के अंतर्गत जो है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है इसका पद नाम बदल कर, क्या कर दिया गया, इसको बना दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार 1858 से लेके 1947 तक वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो जो लॉर्ड कैनिंग का समय था 1856 से 1862, तो इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग जो है ये एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 1856 से लेकर ये 1857 तक जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करेगा। बाकी 1858 से लेके 1862 तक एज अ वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करेगा, एज अ वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करेगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अब हम लोग बात करते हैं वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट है वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया या भारत का वायसराय। अब देखिए वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में, वायसराय ऑफ इंडिया का जो टाइम पीरियड था वो 1858 से लेके 1947 तक था। कहाँ तक था बच्चों, 1947 तक था, 1947 तक। ठीक है, कृषिका सैनी सर 1858 के एक्ट का क्या नाम है। बच्चा 1858 के एक्ट को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोल कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब देखिए वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में, अब वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप आएंगे तो वही बात, सबसे पहले फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भारत के प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय का नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और इनका टाइम पीरियड 1858 से लेकर 1862 तक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के लास्ट वायसराय के बारे में अगर आप आएंगे
तो उनका नाम था लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन नाम था। लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन जो है लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। इनका टाइम पीरियड था 1947 से 1948 तक, 1947 से 1948 तक, 1947 से 1948 तक का समय जो है किसका था, तो ये समय था बच्चों लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट वाइस, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वायसराय ऑफ इंडिया, वो पहले और अंतिम भारतीय कौन थे, लास्ट इंडियन, वो पहले और लास्ट या अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे, तो उनका नाम था सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी जो है फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वायसराय ऑफ इंडिया थे। विनोद यादव सर, एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चा, अभी तक हमने जितना बात बताया आपको, एयरफोर्स में भी वन लाइनर वेस्ट पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। इक्वली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आप एक जो है एक क्रोनोलॉजी डेवलप करें, किस तरीके से क्रम से जो है चीजें क्या हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले हमने बताया गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में, तो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो टाइम पीरियड था 1757 से लेके 1773 तक, जिसमें हमने बताया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, उसके अलावा लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हम लोगों ने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके अलावा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्वेश्चन ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कौन से एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, तो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके अलावा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके अलावा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। उसके अलावा लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, एंड फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन वायसराय ऑफ इंडिया तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि पूरा क्रोनोलॉजी समझ लिया कि कम से कब तक बंगाल का गवर्नर था, कब से कब तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। मुनेंद्र राजपूत सर, पॉलिटी की क्लास कब स्टार्ट होगी? मुनेंद्र अभी आप जो है हिस्ट्री चल रहा है इस पे फोकस करें, पॉलिटी मैं लास्ट में कराऊंगा, जिसमें मैंने पहले क्लास में शेड्यूल बताया था कि शुरू के 25 दिन, 60 दिनों में 25 दिन हम लोग हिस्ट्री करेंगे, अगले 25 दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और उसके अलावा अगले 10 दिन एग्जाम से 10 दिन पहले हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करना आसान रहे, आप आसानी से पढ़ के एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे, जिसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके टाइम ड्यूरेशन में कौन कौन से कार्य हुए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर,
बंगाल का गवर्नर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे, सारों को डिस्कस करने का स्कोप नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर आप आएंगे तो हम लोग बात करेंगे लॉर्ड क्लाइव के बारे में। लॉर्ड क्लाइव के बारे में आइए देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव, देखिए लॉर्ड क्लाइव के बारे में अगर आप आएंगे तो एक बार ये बंगाल का गवर्नर बना 1757 से 1760, 1757 से 1760, और दूसरी बार ये बना 1765 से 1767, 1765 से 1767, 1767, ये दो बार गवर्नर बना बंगाल का, एक बार 1757 से 60 तक, और दूसरी बार जो है 1765 से 1767 तक, 1765 से 1767 तक। अब देखिए इसके समय में क्या इंपॉर्टेंट काम हुए उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो इसी के समय 1759 में, 1759 में, 1759 में एक बैटल हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा, जिसको हमने पढ़ा भी दिया है, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध अगर आपसे पूछ दे कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था जब बैटल ऑफ बेदरा हुआ या बेदरा का युद्ध हुआ, तो उस समय गवर्नर थे कौन, लॉर्ड क्लाइव। बैटल ऑफ बेदरा 1759 में हमने बताया था किसके किसके बीच हुआ, बिटवीन बिटवीन ब्रिटिश एंड डच के बीच हुआ। तो ब्रिटिश और डच के बीच जो है बेदरा का युद्ध हुआ, और इसी बेदरा के युद्ध में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अंग्रेजों की कहानी क्या हो, सॉरी डचों की कहानी यहीं से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि डचों को अंग्रेज क्या करते हैं, इस युद्ध में हरा देते हैं, इस युद्ध में जो है ये उनको हरा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो दूसरा गवर्नर था, अच्छा एक पॉइंट और जान लीजिएगा, हम लोगों ने बात किया था कि इसी के समय जो है 1765 में एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था जिसमें हमने बताया था कि यह ट्रीटी अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध करा दी, टैक्स वसूली करने का अधिकार दे दिया, या पूरी तरीके से उनका अधिकार उस पर स्थापित हो गया। और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि उसके बदले, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बदले मुगल शासक को अंग्रेज जो है 26 लाख रुपए क्या करते, देते। तो वही क्या था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और बैटल ऑफ बेदरा, दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके टाइम पीरियड में क्या हुई हैं,
घटी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर के बारे में अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट बंगाल का गवर्नर था हेनरी वेंसीटार्ट। हेनरी वेंसीटार्ट, वेंसीटार्ट, हेनरी वेंसीटार्ट जो है इसके बाद आया और उसका टाइम पीरियड था 1760 से 1765। इसके भी समय में एक दो घटना इंपॉर्टेंट घटी है, ध्यान रखना आपको। एक जो इंपॉर्टेंट घटना घटी इसके समय, बैटल ऑफ 1764 में, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। बक्सर का युद्ध जो है किसके समय में हुआ, तो बक्सर का युद्ध बच्चों जो है ये हुआ वेंसीटार्ट। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसीटार्ट। बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ट था और वेंसीटार्ट के समय जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और आपको पता है कि इस बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई, उस अंग्रेजों के साथ लड़ाई में मीर कासिम, उसके अलावा मुगल शाह आलम द्वितीय और उसके अलावा अवध के नवाब, इन तीनों लोगों ने मिलकर जो है इस युद्ध में अंग्रेजों से लड़ा। लेकिन इस युद्ध में भी जो है अंग्रेज इन लोगों को हरा देते हैं और इसी युद्ध के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। कौन सा ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि होती है। ये तो जो है क्या था, हेनरी वेंसीटार्ट थे जिनके समय एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई जिसको मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इनके बाद जो है कौन आएंगे, तो इनके बाद जो है 1765 से 1767 का टाइम पीरियड मैंने बताया, वो लॉर्ड क्लाइव आएंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे वर्लेस्ट, वर्लेस्ट का जो समय था 1767 से 1769, कुछ खास नहीं था, टाइम पीरियड आप क्या कर लें, नोट कर लें। उसके अलावा जॉन कार्टियर, नेक्स्ट आए जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर का समय था 1769 से 1772, ये जो है कार्टियर का समय था। और इसके बाद जो व्यक्ति आया बंगाल का गवर्नर बना, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। और आज के क्लास में वॉरेन हेस्टिंग्स पे हम लोग ये कहानी क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग यही वॉरेन हेस्टिंग्स से कहानी स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक क्लास का पॉसिबिलिटी होगा एक घंटे में वहाँ तक हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो बच्चों जो पढ़ाया जाए उसको रिवीजन जरूर करें क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहीं से आपका मॉडर्न हिस्ट्री में कनेक्टिविटी बनेगा। ठीक है, कि आपसे पूछ देगा कि कौन सी घटना कौन से वायसराय के समय हुई, कौन से गवर्नर के समय हुई, कौन से गवर्नर जनरल के समय हुई, आपको इसको फोकस करना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री का मतलब है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी अगर आपके दिमाग में बना है, स्टोरी बना है, तो आप जो है चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।